हमारे YouTube चैनल योगिता आर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भारत वर्ष का हृदय प्रदेश है छत्तीसगढ़। एक ओर यहाँ प्राकृतिक छटा अप्रतिम है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व यहाँ अधिक है। छत्तीसगढ़ का लोक संगीत अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की धान्य संपदा अन्य राज्यों की तुलना में एक अलग पहचान दिलाती है। चावल, गेहूं, उड़द और अन्य मिश्रण से बने छत्तीसगढ़ी पकवान के क्या कहने। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान और उनके बनाने की विधि को जानने समझने दिल्ली से छत्तीसगढ़ पधारी हैं श्रीमती सुधा कपूर। आज वे हमारे गहने और साड़ी पहनकर हमारे जैसे बनकर गांव-गांव घूम रही हैं। छत्तीसगढ़ का एक लजीज और हर मौसम में खाए जाने वाला पकवान है बरा यानी बड़ा। इसे बनाने की सामग्री है उड़द दाल, हरी मिर्च, हरा धनिया, तेल, नमक और प्याज। उड़द दाल को रात में भिगाया जाता है, सुबह धोकर उसे सील बट्टे में पीसा जाता है। पीसी हुई दाल में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक मिला दिया जाता है। फेंटने के बाद उसे छोटे छोटे आकार देकर गर्म तेल में डाल दिया जाता है। जब तक इसका रंग भूरा ना हो जाए तब तक इसे तलना चाहिए। लीजिए, अब आपका बरा तैयार है। इसे प्रायः टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। गुलगुल भजिया, इसे बनाने की सामग्री है गेहूं का आटा, गुड़, तिल और तेल। बरसात की समाप्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ में एक पारंपरिक पर्व मनाया जाता है हरेली। इस पर्व पर हल की पूजा की जाती है। इस अवसर पर एक खास किस्म का पकवान तैयार किया जाता है जिसका नाम है गुलगुल भजिया यानी मीठा पकौड़ा। इसे बनाने के लिए पहले गुड़ को पानी में घोला जाता है, उसमें गेहूं का आटा डाला जाता है। आटे को मथने के पश्चात गर्म तेल में भजिए की तरह इसे तला जाता है। इसमें लालिमा आने पर इसे छान लिया जाता है। वैसे तो गुलगुल भजिया खास हरेली त्योहार के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़वासी इसे वर्ष भर ग्रहण करते हैं। ये है दूध भरा। इसे बनाने की सामग्री है चावल का आटा, दूध, शक्कर, इलायची और तेल। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। पहले हाथ में तेल लेकर चावल आटे को गूंथ लेंगे, फिर हाथ से ही छोटी छोटी लंबी फरा बनाएंगे। चूल्हे पर दूध को शक्कर के साथ गर्म किया जाता है। दूध जब अच्छे से खौलने लगे तो उसमें फरा डाल देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद दूध फरा को उतार लेंगे। अब स्वादिष्ट दूध फरा खाने के लिए तैयार है। ये दूध फरा खासकर नई धान फसल आने पर नए चावल के साथ नवाखाई पर्व पर बनाया जाता है। बेर की रोटी यानी बोईर रोटी। इसे बनाने की सामग्री है सूखे बेर, नमक, मिर्च और गुड़। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सूखे बेर को कूट लेंगे, फिर गुठली बाहर करेंगे। थोड़ा सा नमक, मिर्च, गुड़ मिलाकर
हल्का पानी डालकर मिलाते हैं। फिर हाथ से छोटी छोटी गोल गोल लोई बनाते हैं और धूप में सुखाते हैं। इसे बोईर गुड़ा भी बोलते हैं। ये है मालपुआ। मालपुआ बनाने की सामग्री है गेहूं आटा, खोबरा, लौंग इलायची, शक्कर, पीसा हुआ सौंफ और तेल। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। पहले पानी में गेहूं के आटे को घोल दिया जाता है। उसमें शक्कर, लौंग इलायची, सौंफ और पीसा हुआ खोबरा डालकर अच्छे से मिला दिया जाता है। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म तेल में आटे के घोल को कटोरी में रख कर एक बार में डाल देंगे। आटे के घोल को घुमाकर डालेंगे और लाल होते तक पकने देंगे। इस प्रकार मालपुआ तैयार हो जाता है। किसी भी पकवान को बनाते समय ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाना ज़्यादा अच्छा है। लकड़ी का प्रयोग पकवान को और भी स्वादिष्ट बनाता है। ये है बरी। इसे बनाने के लिए सामग्री है उड़द दाल, नमक और पानी। इसे बनाने की विधि है, रात में उड़द दाल को भिगा लें, फिर सुबह पीसकर आटा तैयार कर लें, फिर छोटी छोटी गोल गोल बरी को बनाकर धूप में सुखा लें। सूखने के पश्चात सब्जी के लिए कभी भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये है तिल की बिजोरी। इसे बनाने की सामग्री है तिल, उड़द दाल, नमक और मिर्च। इसे बनाने की विधि है, उड़द दाल को रात में भिगोकर सुबह पीसा जाता है, फिर उसमें तिल मिला दिया जाता है। स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च मिलाकर छोटी छोटी रोटी के आकार में इसे बनाकर धूप में सुखा दिया जाता है। सूखने के बाद इसे जब खाने का मन करे तेल में तलकर खाया जाता है। भोजन के साथ पापड़ की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ये है अंगाकर रोटी। इसे बनाने की सामग्री है चावल का आटा, तेल और नमक। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। इसे तेल लगे गर्म तवे पर दोनों हाथों से रोटी का आकार देकर डाल दिया जाता है, फिर अल्टी पल्टी करके सेंका जाता है। इस तरह अंगाकर रोटी तैयार हो गई है। ये अंगाकर रोटी प्रायः नाश्ते के रूप में खाई जाती है। ये है ठेठरी। इसे बनाने की सामग्री है बेसन, नमक, जीरा और तेल। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले बेसन में नमक, जीरा थोड़ा थोड़ा डालकर बेसन को तेल में गूंथ लें। गूंथे हुए बेसन के आटे को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग आकार दे दें। फिर गरम तेल में लाल होते तक ठेठरी को तलते हैं। और अब ये ठेठरी तैयार है। ये है खुरमी। इसे बनाने के लिए सामग्री है गेहूं का आटा, मोटा पिसा हुआ फल्ली दाना, तिल, गुड़, घी और तेल। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। गेहूं के आटे में फल्ली, तिल को मिला लें, थोड़ा सा घी मिलाएं, गुड़ का घोल बनाकर आटे को गूंथ लें। छोटी लोई लेके
खुरमी को गोल गोल बनाएं, फिर गरम तेल में तल लें। इस प्रकार खुरमी तैयार है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर ठेठरी और खुरमी बनाई जाती है, लेकिन इसे प्रायः वर्ष भर खाया जाता है। ये है चीला। इसे बनाने की सामग्री है चावल आटा, नमक, थोड़ा सा तेल और धनिया पत्ती। इसे बनाने की विधि है, चावल आटे को पतला घोल बनाकर स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ती डाल दें। उसके बाद तवे के गर्म होने पर घोल को तवे में घुमाकर डालें, थोड़ा तेल डालकर पकने दें। इस तरह चीला तैयार हो गया है। टमाटर की चटनी के साथ चीले का स्वाद और भी बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली और पोला त्योहार के अवसर पर विशेष रूप से चीला बनाया जाता है। ये है खाजा। इसे बनाने के लिए सामग्री है मैदा, गुड़, तेल और पानी। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है, मैदे को पानी में गूंथ लें, रोटी जैसे बना लें, फिर उसमें घी लगाकर लपेट लें। इसके बाद काट कर आकार दें, तत्पश्चात गरम तेल में इसे तल लें। थोड़ी देर के बाद इसे बाहर निकाल लें। उसके बाद पहले से तैयार गुड़ की चाशनी में इसे डाल दें, फिर इसे बाहर निकाल लें और फिर इसे सूखने दें। सूखने के पश्चात ये खाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की यादें और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेकर सुधा जी वापस चली गईं नई दिल्ली।